वालेकुम, मैं अमीर हमज़ा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हमज़ा कदीर व्लॉग्स। न्यू व्लॉग में आपको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़बरदस्त। जो आज आपको दिखाऊँगा जो वीडियो में, वो ये है कि हमारे ना इधर से एक नाला गुजरता है जिसमें पानी है काफ़ी ज़्यादा, और इधर से सैलाब भी होके गुजरा जिसकी वजह से ना मछली बहुत ज़्यादा आई हुई है इधर। तो इसी के लिए मछली को पकड़ने के लिए इधर मछेरे इर्द गिर्द के इलाके के बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो वो इन मछेरों से आपकी मुलाकात करवाते हैं आज और आपको दिखाते हैं मछेरे। ये देखें इधर कितने ज़्यादा मछेरे जी, आपको इन मछेरों से मिलाते हैं और जानते हैं इन्होंने कितने टाइम में और कितनी मछली पकड़ी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल आपके, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मछलियाँ पकड़ने आए हैं इधर? जी मैं मछली पकड़ने के लिए इधर आया हूँ। अच्छा, कब के आए हुए हैं? मुझे तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे हो गए हैं, कितनी को पकड़ ली आपने? तकरीबन 2.5 किलो मछली मैंने। 2.5 किलो मछली पकड़ ली आपने 2 घंटे में? तो आप दिखा सकते हैं आपने कौन सी मछली, इधर ज्यादातर मछली कौन सी पाई जाती है इस नाले में? ये इसमें जो होती है ना, इसमें बहुत सी किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं। इसमें एक डौली भी है और एक मली भी है, एक डमरा भी है, एक नीलाकी भी है, और इसके अलावा एक जो किंगर कहते हैं वो किंगर भी इसमें पाया जाता है। अच्छा, और इसके अलावा एक सींग होता है वो भी, और खरगोश भी। तो आप नहीं, आपने जो 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 पकड़ी है वो हमें दिखा सकते हैं, आपने कौन कौन सी पकड़ी है? जी मैंने जो पकड़ी है वो दूसरी साइड पर पड़ी हुई है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये मैंने पकड़ी है डोली। जी मछलियाँ दिखाने लगे हैं भाई? जी ये मेरी स्कूटी आपको मछली दिखाने लगी है। जी ये कौन सी है? ये मली है, ऐसे मली कहते हैं, मली का बच्चा है अभी तक, और कम से कम ये 2 माह में ना मली बन जाएगी। अच्छा। ये तकरीबन 1 किलो के साथ। तो ये बच्चा आपने पकड़ ली, ये खाने के लायक है? जी हाँ, ये जब अंडे से निकलते हैं ना बच्चे, ये उसी दिन खाने के काबिल हो जाते हैं, लेकिन हम खाते नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इनका शोरबा करते हैं और खा जाते हैं, यानी कि 1 किलो बच्चे का। जी ये बहुत अच्छा शोरबा होता है, कई दफा लोगों ने खाया है लेकिन मैंने देखा है लेकिन मैंने खाया नहीं कभी। जी नाज़रीन आपको दिखाते जाए, इधर बहुत ज़्यादा बच्चे, ये देखो ये सारे मछेरे हैं, इन्होंने सारे ये मछलियाँ पकड़ रही हैं। तो आइए और कौन है, आप बताए आपने, आप कब से इधर आए हुए हैं, आपने कितनी पकड़ ली है मछली? हमने भी 2.5 किलो पकड़ ली है। आप कब से आए हुए हैं? साथ इनके साथ ही आप? तो और कौन से इधर आए हुए हैं? ये आप तो उनके साथ हैं। अच्छा आप पकड़ के पकड़ते किसके साथ हैं ये बताते हैं? हम ये जो कुंडियां ये देखो अभी फेंकी हैं इसने, दो है नाल कुंडी है। अच्छा ये फेंकी है इसके, एक मछली मतलब कि इसके साथ क्या लगाते हैं? जो होता है गंडोया। अच्छा गंडोया लगा रहे हैं ये लोग, तो फेंक रहे हैं तो मछली आसानी से लग जाती है। 2.5 किलो इन्होंने पकड़ लिया मछली 2 घंटों में, क्या बात है। तो इधर काफी ज्यादा मछली आई हुई है, ये देखे ना नाला कितना बड़ा है। जी सर मैं आपको पता चलूँ कि इसके साथ साथ इधर बहुत से इर्द गिर्द के इलाकों से बहुत से मछेरे आते हैं इधर, जो आकर इधर से कई मछेरों का जो है ना रोजगार बना हुआ है। अच्छा वो जाल के साथ इधर से मछलियाँ पकड़ते हैं और वो अपना जो है ना बाजारों में जाकर सेल करते हैं, तकरीबन 5-6 हजार की जो दिहाड़ी लगाते हैं इधर। क्या बात, बहुत से मछेरे हैं जो जिनका रोजगार बना हुआ है। और बहुत से मैंने देखा संडे वाले दिन काफी ज्यादा जो लोग ना इधर। जी आज भी संडे, आज भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन वो तकरीबन दोपहर के टाइम, जब दोपहर का टाइम हो जाता है ना वो चले जाते हैं, सुबह सुबह आ जाते हैं। तो अभी जो हमारे गांव के बच्चे हैं जो मछली पकड़ रहे हैं, ये देखें बहुत सारे बच्चे हैं, तो जो इर्द गिर्द के इलाकों से आते हैं ना देहात से, वो दोपहर के वक्त चले जाते हैं। अच्छा जी क्या बात है जब। जी जी इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इधर जो बच्चे मछलियाँ पकड़ने आते हैं ना, इसके फायदे तो बहुत ज्यादा हैं कि ये मछलियाँ पकड़ते हैं और ये उनकी एक टाइम की डिश बन जाती है, तो इसके साथ साथ इनके नुकसान भी बहुत ज्यादा है। ये जो कम उम्र में बहुत ज्यादा इधर आते हैं ना मछलियाँ पकड़ने के लिए, मिसाल के तौर पर मैं कोई बच्चा दिखा सकता हूँ, मोहम्मद सीब सामने आइएगा, ये बच्चा, ये बच्चा देखें, ये तकरीबन आधा घंटा पहले सेम में गिर गया था, ये बहुत गहरी है, नीचे से बहुत गहरी है। ये देखें ये बच्चा, तो इसके कपड़े अभी गिले हैं, अभी तक सूखे नहीं हुए, तो ये नाले में गिर गया था। एहतियात कीजिए, इनके बड़ों से इल्तिजा है कि ये जो कम उम्र बच्चे हैं ना, इनको घरों से मत बाहर निकलने दीजिए। ये बच्चा हमने बड़ी मुश्किल से, जब सेम में गिरा था ना तो बड़ी मुश्किल, ये देखिए ताज़ा भी आपको दिखाते हैं, ये देखो इन्होंने अभी मछली पकड़ी है। ये हमजा भाई कौन सी है, डोला? ये इसे डोला मछली कहते हैं। क्या बात है यार जबरदस्त, ये मेरे शागिर्द हैं जो मैंने इनको इस काम पे लगाया हुआ है। ये देखिए किस तरह निकाली है इन्होंने, सारी कारकर्दगी मेरी है। ये क्या बात जबरदस्त,
ये इन्होंने अभी मेरी नजरों के सामने इन्होंने मछली पकड़ी है, ताज़ा तरीन मछली पकड़ी है इन्होंने। तो ये अभी इसको जाकर तैयार करेंगे, फिर इसको खाएंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतनी अपडेट दी। तो दोस्तों ये आज का व्लॉग था, ये एक वीडियो थी जो आपको बतानी थी। तो इधर से लोग मछली पकड़ते हैं और एक टाइम की एक अपनी डिश बनाते हैं, बहुत मज़ेदार। तो इंजॉय भी करते हैं साथ। यही आज की वीडियो थी, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।